तो गाइज आज हम लोग देखने वाले हैं एक्समैन के सबसे मेन कैरेक्टर की कहानी, जो कि है वुल्वरीन। कैसे उसने अपने जिंदगी के 99 ईयर काटे, वुल्वरीन से एक्समैन बनने तक उसके साथ क्या क्या हुआ और उसने किस मुसीबत का सामना किया। तो आइए देखते हैं वुल्वरीन की जर्नी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शिनचैन चॉप जल्दी से चलो। अरे पर जाना कहाँ पर है? अरे आज टूनी के घर पे वुल्वरीन आने वाला है। अरे क्या बात कर रहे हो, वो तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। भाई पसंद तो मेरे को भी बहुत है, तभी तो बोल रहा हूँ ना जल्दी चल, नहीं तो अपन लेट हो जाएंगे। अरे की होंगे, वो कहीं पे भागा थोड़ी ना जा रहा है। अरे दरअसल वो लोग उसका पास्ट और फ्यूचर देखने वाले, मैं नहीं चाहता कि मैं लेट हो जाऊँ। अच्छा ऐसी बात है क्या? वैसे ये वुल्वरीन है कौन? अरे तुम वुल्वरीन के बारे में नहीं जानते? जानता तो पूछता थोड़ी। अरे चौफ, वुल्वरीन एक्समैन की टीम का एक मेन कैरेक्टर है। अरे क्या बात कर रहे हो, अभी एक्समैन कौन है? अबे जब तेरे को नहीं पता था तो इतना उछला क्यों? ये चौफ का स्टाइल है। अरे तुम तो एक्समैन के बारे में भी नहीं जानते। चौफ ऐसे तो हम लोग समझा नहीं सकते, एक काम कर, जब वो लोग उसका पास्ट और फ्यूचर देखेंगे ना तब तेरे को पता चल जाएगा। अच्छा ऐसा क्या? अरे पर उसके लिए टाइम पे पहुंचना भी जरूरी है, तो जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी को भगाता हूँ। अरे हम तो पहुंचने वाले हैं। अरे जल्दी जल्दी चलो। तो गाइस जल्दी से गाड़ी को यहीं पे पार्क करते हैं और जाते हैं अंदर। अरे हमारे लिए भी रुको। और फ्रैंकलिन तुम आ गए? मैं तो आ गया, पर कार्यक्रम शुरू तो नहीं हुआ ना? नहीं बस होने ही वाला है। चलो भाई बच गए। अरे ये भिखारी कौन है? अरे चौप ये भिखारी नहीं है, यही तो है वुल्वरीन। तो फिर ये बनियान में क्यों घूम रहा है, इसके पास शर्ट नहीं है क्या? अरे ये मेरा स्टाइल है। अच्छा हाँ तो फिर स्टार्ट किया जाए। अरे हाँ जल्दी से करो ना। अच्छा ठीक है अभी करता हूँ, ये किया मैंने स्टार्ट। तो गाइस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं वुल्वरीन की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है दो छोटे भाइयों से, पर ये कोई आम बच्चे नहीं थे, इन दोनों के पास स्पेशल पावर्स थी क्योंकि वो दोनों ही म्यूटेंट थे। अरे तुम्हारा एक छोटा भाई भी था क्या? वो मेरा छोटा भाई नहीं, वो मेरा बड़ा भाई है। अच्छा ऐसा क्या? वो दोनों एक घटना से अनजान सीधे अपने घर की तरफ जा रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगियां पलट जाएगी। अब देखिए आगे। अरे लोगन फटाफट साइकिल चलाना, क्या कर रहा है? अरे भैया चला तो रहा हूँ, मुझे तुझे साइकिल ही नहीं देनी चाहिए थी। अरे पर ये तो मेरी साइकिल है। अरे वो देख किसके घर पे तो आग लगी है। अरे हाँ वहाँ पर तो हमारा भी घर है ना। हाँ जल्दी से चल तो। लोगन जल्दी चलाना नहीं तो बहुत मारूंगा। अरे भैया प्लीज मत मारना, चला रहा हूँ। वहाँ पर पहुँच के उन्होंने जो नजारा देखा उससे उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि वो आग उनके घर पे ही लगी थी और उस आग में उनके मम्मी पापा दोनों जल के खाक हो गए। अरे ये तो हमारा घर है, जल्दी से जाता हूँ, ये तो बहुत बुरी तरीके से जल गया है। मम्मी पापा कहाँ हो आप, ये सब क्या हो गया? अरे ये आग तो बहुत ही भयानक लगी है, ऐसा लग रहा ना शिनचैन किसी ने जानबूझ के जलाया है। भैया अब हम क्या करेंगे? ये सब तेरी वजह से हुआ है, मैं तुझे कब से कह रहा था कि घर पे चल, पर तुझे तो खेलना था ना। अरे मुझे थोड़ी ना पता था ऐसा हो जाएगा। तू बहुत गंदा है, तेरी वजह से मम्मी पापा चले गए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे भैया कहाँ पर जा रहे हो मुझे छोड़ के? रुक जाओ भैया प्लीज रुक जाओ। अरे तुम्हारा भाई तो तुम्हें छोड़ के भाग गया। हाँ वो थोड़ा सा बदमाश था, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था। विक्टर तो वहाँ से भाग गया, पर लोगन को कुछ समझ नहीं आ रहा था करूँ क्या, वो एक कोने में बैठ के रोने लगा। ये सब कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, पर फिर इन दोनों की सुलह हो गई। कुछ सालों बाद इन्हें पता चलता है कि इनकी पावर बहुत ही स्पेशल है और इनकी उम्र एक नॉर्मल इंसान से 100 गुना ज्यादा। इसी के चलते दोनों भाइयों ने आर्मी ज्वाइन करने का सोचा। अब देखिए आगे। अरे भाई इनको तो मैं देख लूंगा, तुम दूसरों को देखो। अच्छा ठीक है। ये सब तो गए मेरे हाथ से, ये ले आज तो कोई नहीं बचेगा। अरे तुम्हें तो बहुत सारी गोलियां लगी है। अरे शिनचैन ये तो मेरे रोज का काम है, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ऐसा क्या? लोगन और विक्टर बिना आर्मर के ही सारी जंग जीत जाते थे, क्योंकि इन पे गोलियों का कोई असर नहीं होता था। इनकी हीलिंग पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि वो कुछ ही सेकंडों में सारे घाव भर देती थी। आज तो तुम सब लोग गए, ये लो सब के सब खत्म हो जाओगे यहाँ पर, हम दोनों भाई मिलके किसी को नहीं छोड़ेंगे। अरे कितने ज्यादा कूल लग रहे हो तुम दोनों जन। हम कूल थे शिनचैन, और मुझे तो किसी चीज का डर भी नहीं था क्योंकि मौत हमें छू ही नहीं सकती। भाई यार ये तो कमाल की बात है, काश मेरे पास भी ऐसी पावर होती। तेरे को क्या करना इस पावर का? अरे अपने अपने सपने होते हैं। दोनों भाइयों ने अपने जिंदगी के 100 साल आर्मी वालों के लिए लड़ाई करते हुए बिता दिए, पर फिर लोगन को प्यार हो जाता है और वो ये सब छोड़ने का डिसीजन लेता है। ये बात विक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिससे कि दोनों भाई की दुश्मनी बढ़ जाती है और वहाँ से उन दोनों का रास्ता भी अलग हो जाता है। अब देखिए आगे। अरे वाह क्या सुहाना दिन है, जल्दी से अपने घर पे जाता हूँ, मेरी बीबी मेरा इंतजार कर रही होगी। चलो फाइनली मैं पहुँच गया, आज तो काम करके भी बहुत ज्यादा थक गया हूँ, खाना खा के सो जाऊंगा। अरे क्या बात है, तुमने तो शादी भी कर ली थी। हाँ शिनचैन वो लड़की मुझे बहुत ही पसंद थी, मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था। अरे मानना पड़ेगा प्यार अंधा होता है। अरे जानू तुम आ गए, कैसी हो तुम, मुझे ज्यादा मिस तो नहीं किया? अरे मैंने तो तुम्हें बहुत मिस किया। चलो बहुत आराम हो गया।
गया। अब जाता हूँ काम करने, नहीं तो रात हो जाएगी, जल्दी जल्दी जाता हूँ। लोगन अपनी जिंदगी से काफी खुश था, पर उसे आने वाले खतरे का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। उसके साथ एक ऐसी चीज होने वाली थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी ना हो। ये दूसरी बार होगा कि उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। अब क्या होता है आप खुद ही देख लीजिए। लोगन को क्या लगता है वो मुझे धोखा देके खुश रहेगा? मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। मैं या पुलिस से भागता फिर रहा हूँ और वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहा है। इस चुड़ैल के कारण ये सब हुआ था, ये ले। अरे इसने तो इसकी बीवी को मार दिया। अबे ये तो तेरा भाई था ना, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ये सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। अरे बड़ा ही कमीना भाई है तुम्हारा तो। विक्टर लोगन की बीवी को मार देता है। यहाँ लोगन इस बात से अनजान काम से घर आता है और अपने भाई को भागता हुआ देख के वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। इस बात से वो काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत नीचे उतरता है और भाग के अपनी बीवी के पास जाता है। अरे पता नहीं उसने क्या किया होगा, मुझे जल्दी से जाके देखना पड़ेगा। अरे ये क्या कर दिया उसने, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरी दुनिया बर्बाद की, मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा। विक्टर आज तू बचेगा नहीं मेरे हाथ से, मैं आ रहा हूँ। अरे तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ था। बुरा तो बहुत हुआ था पर अब कर ही क्या सकते हैं। तुम्हारे तो घर का सिक्का ही खोटा निकला। जल्दी से जाता हूँ अपनी बाइक के पास, आज तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम्हारी बाइक तो बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। हाँ शिनचैन ये मेरी फेवरेट बाइक थी। गुस्से में पागल लोगन अपनी बाइक पे बैठ के अपने भाई को ढूंढने जाता है ताकि वो उसे मिल के खत्म कर सके, और उसका ये गुस्सा जायज भी था। विक्टर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरी दुनिया खत्म कर दी। जितना भाग सकता है भाग ले, मैं तुझे ढूंढ के रहूंगा। कब तक छुपेगा तू मुझसे? ये रहा विक्टर, आज तो ये गया मेरे हाथ से। वाह क्या बात है, आखिरकार दो भाई आमने सामने आ ही गए। तुम एक लड़की के वजह से मुझसे लड़ोगे, मुझे शर्म आती है तुम्हें भाई कहते हुए। वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो मेरी जिंदगी थी जो तुमने छीन ली, क्योंकि वो हम दोनों के बीच में आ रही थी और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तुम तो आज बचोगे नहीं, ये ले। अरे दोनों भाई तो आपस में लड़ने लग गए। लड़ेंगे ना शिनचैन भाई, भाई जो ना रहा। ये ले, तू मेरे सामने कमजोर है, तू बचपन से ही कमजोर रहा है, तू मुझसे कभी नहीं जीत पाएगा। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये क्या कर रहा है? अरे तुम तो विक्टर से हार रहे हो। हाँ शिनचैन, विक्टर बहुत ही स्ट्रांग था, वो बचपन से ही मुझसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए मैं उससे थोड़ा डरता था। तो फिर तुम अपने ब्लेड से क्यों नहीं मार रहे थे? अरे उस टाइम मेरे पास ब्लेड थी नहीं। तो फिर अभी कैसे आ गई? ये तो तुम खुद ही देख लो। मुझसे लड़ने चला था, मुझे लगता है ये अपनी औकात भूल गया था। अब जाता हूँ यहाँ से, नहीं तो पुलिस पहुँच जाएगी। जल्दी से चलता हूँ। विक्टर लोगन को हराने के बाद वहाँ से भाग गया। हमारा लोगन गुस्से में तो था पर काफी कमजोर था, वो चाहते हुए भी कुछ न कर पाया। इसी चीज का फायदा उठाने के लिए वेपन एक्स की टीम वहाँ पर पहुँचती है जो कि काफी टाइम से लोगन पे नजर रखे हुए थी। अब देखिए आगे। अरे ये गाड़ी में कौन लोग आए है? शिनचैन ये लोग वेपन एक्स के लोग थे। अरे अब ये कौन है? ये बहुत ही बुरे लोग है। अरे पर ये तो साइंटिस्ट दिख रहा है। हाँ ये साइंटिस्ट ही था पर बुरे लोगों के लिए काम करता था। लोगन तुम काफी कमजोर हो चुके हो, तुम्हें उससे क्या? और तुम लोग हो कौन? हम वो लोग है जो तुम्हें ताकतवर बना सकते हैं। पर तुम मुझे ताकतवर क्यों बनाओगे? ताकि तुम हमारे भी काम आ सको। हमारे पास तुम्हारे जैसे कई सारे म्यूटेंट है, तुम हमारी टीम में शामिल हो सकते हो और अपने भाई से भी बदला ले सकते हो। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। अच्छा ठीक है, आ जाओ हमारे पीछे पीछे। लोगन उस समय काफी गुस्से में होता है, इसलिए वो बिना सोचे समझे उन लोगों को हाँ कर देता है ताकि वो अपने भाई से बदला ले सके। पर उसे नहीं पता था कि ये लोग उसके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले है। अब देखिए आगे। अरे तुमने तो कहा था कि ये लोग बुरे है। हाँ शिनचैन ये लोग बहुत बुरे थे। तो फिर तुम इनके साथ क्यों गए? क्योंकि उस समय मेरा दिमाग पागल हो गया था, मुझे सिर्फ विक्टर से बदला लेने के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। आखिरकार मैंने इसे अपने जाल में फंसा लिया, अब इस पे एक्सपेरिमेंट करके इसे इतना खतरनाक हथियार बनाऊंगा जो कि मेरे कंट्रोल में होगा। अरे इसने तो तुम्हें नंगू पुंगू कर दिया। क्योंकि शिनचैन वो लोग मुझ पे एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे, पर एक्सपेरिमेंट के कुछ ही देर बाद मुझे होश आ जाता है और मुझे रियलाइज होता है कि मैंने बहुत ही गलत कर दिया था। एक्सपेरिमेंट के कुछ ही दिनों बाद लोगन को होश आ जाता है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ था। ये क्या किया इन लोग ने मेरे साथ? मुझे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है, मुझे ये सब नहीं करना, जल्दी से निकलता हूँ यहाँ से। क्या किया तुमने मेरे साथ? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये ले, ये भी ले। तुम लोग बहुत बुरे हो, मेरे हाथ से तो हड्डियाँ निकलती थी, ये ब्लेड कहाँ से आ गई? अच्छा तो तुम्हें ब्लेड ऐसे मिली थी। वुल्वरिन के पूरे शरीर में एडमटेन नाम का एक धातु भरा गया था जिसने की हड्डियों की जगह ले ली थी। अब उसका शरीर पूरी तरीके से बदल चुका था। मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, इन लोगों की नीयत अच्छी नहीं है, पता नहीं इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया होगा। इससे पहले कि ये लोग कुछ और करें मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, ये ले। अब लोगन के शरीर पे पहले से भी कम असर होता था क्योंकि उसकी सारी ताकतें बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और उसी के साथ उसकी हीलिंग पावर, इसी के साथ वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। इसी के बाद से लोगन वुल्वरिन के नाम से जाना जाता था। अब देखिए आगे। हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये ले। तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। अरे यहाँ पर तो बहुत ज्यादा जन है। हाँ शिनचैन, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया था ताकि मैं इनका हथियार बन सकूं, पर मैं आधे एक्सपेरिमेंट में उड़ गया था जिसके वजह से ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। अच्छा ऐसा हुआ था क्या? मतलब थोड़े के लिए बच गए तुम। हाँ तुम ये बोल सकते हो। अरे यहाँ पर लिफ्ट है, जल्दी से इसमें जाता हूँ। चलो फाइनली मैं बाहर निकल ही गया। अरे तुम तो कितनी बड़ी बड़ी जम मारते हो। ये सब पावर शिनचैन मेरे में पहले से ही
थी। वुल्वरिन वहाँ से भाग तो गया था पर पुलिस भी वेपन एक्स के साथ मिली हुई थी और उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अरे यार, ये पुलिस कहाँ से आ गई? ये मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये ले, मैंने तो कुछ गलत किया भी नहीं था, फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे मजबूरन इन्हें मारना पड़ेगा। ये ले, अरे यहाँ पर तो बहुत ज्यादा पुलिस आ गई। आ तो गए शिनचैन, पर ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मुझे कैसे भी इन्हें खत्म करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे यार, हेलीकॉप्टर भी आ गया। ये लो, तुमको तो छोड़ूंगा नहीं मैं। ये लो, आखिरकार मैंने इसे मार ही दिया। अरे यार, एक और आ गया, इसको भी जल्दी से मारता हूँ। फाइनली ये भी खत्म हुआ। अरे यार, इनकी संख्या तो बढ़ते ही जा रही है। अरे मुझे नहीं लगता ये लोग रुकने वाले हैं। शिनचैन, मुझे तो लगता है ये जो चड्डी इसने पहनी है ना, ये लोग इसको भी फाड़ देंगे। अरे कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं वहाँ से भाग गया था। काफी देर पुलिस से लड़ने के बाद लोगन को समझ में आ जाता है कि वो उन्हें मार तो सकता है पर रोक नहीं सकता। उसके साथ एक के बाद एक ऐसी चीजें हो रही थी जिसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसकी जिंदगी मानो एक फास्ट ट्रेन बन गई थी, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है और खुद के लिए एक सेफ जगह ढूंढता है। पर पुलिस पूरे शहर में फैल गई थी जिससे कि उसे काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। काफी देर की मशक्कत के बाद वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब होता है और वहाँ से भाग जाता है। अरे वाह, आखिरकार तुमने पीछा छुड़ा ही लिया। सही बोलूं तो शिनचैन, मैं काफी डर गया था क्योंकि खून खराबा मैंने काफी पहले ही छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था मैं कोई नई चीज कर रहा हूँ। काफी साल बीत जाते हैं। वुल्वरिन अपनी बीबी की याद में एकदम पागल हो जाता है और नशे का आदी हो जाता है। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही थी। अरे ये तो एकदम बेवड़ा बन गया। हे, तुम मुझे अंदर जाने दो। नहीं सर, हम आपको अलाउ नहीं कर सकते, आपके पास पास नहीं है। तू मुझसे पास मांगेगा? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये ले, आया बड़ा मुझसे पास मांगने वाला, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज तो पी के टल्ली हो जाऊंगा। चलो फाइनली पहुंच गया। सर, आप क्या लेना पसंद करोगे? जो रोज पीते हो वही बना दूं? हाँ दोस्त, वही बना दे जो मैं रोज पीता हूँ, पर जल्दी बनाना। अबे ये शाणे, यहाँ पर नया आया लगता है। अबे तू होगा नया, मैं तो रोज आता हूँ। ये शाणे अपने से जबान लड़ाता है, तुझे पता है मैं कौन हूँ और मेरा बाप कौन है? क्यों, तू नहीं जानता है क्या? बहुत मस्ती सूझ रही है तेरे को। रुक, अभी बताता हूँ। तू क्या मेरे को बताएगा? ये ले, पहले कहा था मुझसे पंगा मत लेना, फालतू में मार खा ली। कैसे कैसे लोग है, चुपचाप से पीने भी नहीं देते। तूने हमारे भाई को मारा। ये ले, छोड़ेंगे नहीं हम तुझे। तू शायद हमको जानता नहीं है, हम के डॉन है डॉन। आज तो तू मरेगा बेटा। अरे तुम्हें तो गुंडों ने घेर लिया। नशे की हालत में वुल्वरिन से एक ऐसी गलती हो जाती है जो वो बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था और जो उसने सालों पहले छोड़ दिया था। उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, वो भी साधारण इंसानों पर। नशे ने उसे बर्बाद कर दिया था जिससे वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था, इसलिए कहते हैं नशे से दूर रहे। ये लो, तुमको मैंने कितनी बार बोला था मुझसे दूर रहो, फालतू में खून खराबा करवा दिया। अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस यहाँ पर पहुँच जाएगी। फटाफट जाता हूँ यहाँ से। अरे यार, मेरा सर बहुत ही भारी हो गया है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। अब ये कौन है, जोकर जैसे कपड़े पहन के खड़ा है? जरा पास जाके देखता हूँ इसके। हे, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम कौन हो? मेरा नाम साइक्लॉप्स है और मैं एक्समैन की टीम से हूँ। अब ये क्या चीज है? हम म्यूटेंट्स की एक टीम है जो खुद की प्रजाति की रक्षा करते हैं। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? हम कभी झूठ नहीं बोलते। तुम भी हमारी टीम में शामिल हो सकते हो। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? इससे तुम खुद की भी रक्षा कर सकते हो और लोगों की भी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ, पर उसके लिए तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा। तुम्हें खुद की काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। और वो कैसे? यह पास ही में कुछ गुंडे पुलिस वालों को परेशान कर रहे हैं, तुम्हें उन्हें जाके रोकना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। जल्दी जल्दी जाता हूँ यहाँ से। क्या करूँ, एक काम करता हूँ, इसकी गाड़ी ले लेता हूँ। उतर यहाँ से, अब निकलता हूँ यहाँ से। अरे अब ये जोकर जैसा दिखने वाला कौन था और तुमने उसकी बात क्यों मान ली? क्योंकि मुझे उस टाइम पे वही सही लगा। अरे चौप, वो कोई जोकर नहीं था, उसका नाम साइक्लॉप्स है और उसके पास लेजर छोड़ने की ताकत है। अच्छा, ऐसा क्या? लोगन ने अपनी जिंदगी की परेशानियों से दूर होने के लिए टीम एक्समैन में जाने का सोचा, पर क्या वो ये टेस्ट पार कर पाएगा या नहीं, चलिए देखते हैं। मुझे लगता है यही गुंडे थे, अभी इन्हें उतर के मजा चकाता हूँ। ये ले, तू भी ले। अरे इन सब के पास तो मशीन गन है, इन्हें जल्दी जल्दी मारना पड़ेगा। इन बिचारों को पता भी नहीं है कि मुझे कोई असर नहीं होने वाला। ये ले, अरे तुम पर तो मशीन गन का भी कोई असर नहीं हो रहा। अरे ये सब तो मेरे लिए खिलौने जैसा है, क्योंकि आर्मी में मैंने इसे बहुत ज्यादा दर्द झेला था। तुम तो खतरों के खिलाड़ी हो। बस कुछ ही लोग बचे हैं, जल्दी से मार देता हूँ इन्हें। रुक जा, तू तो गया मेरे हाथ से। ये ले, अरे अब ये लोग कहाँ से आ गए? मुझे जल्दी इन्हें मारना पड़ेगा, ये तो शहर के लोगों को मार रहे हैं। ये भी गई मेरे हाथ से। लोगन उन्हें काफी देर तक मारता रहा, क्योंकि उनके पास हैवी हथियार थे इसलिए उसे थोड़ा टाइम लग गया, पर आखिरकार उसने कर ही दिखाया और ये उसका पहला कदम था टीम एक्समैन में। अच्छा, तो ऐसे तुम एक्समैन की टीम में आए थे? अरे ये सूट तो काफी कमाल का है। हाँ शिनचैन, ये सूट बहुत ही अच्छा था। अच्छा, तो इसको एक्समैन बोलते है? हाँ चौप, ऐसे ही कुछ समझ ले। अरे ये साइक्लॉप्स ने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? जल्दी से जाके उससे मिलता हूँ। अरे वुल्वरिन, तुम आ गए। हाँ बोलो, मुझसे क्या काम था? वुल्वरिन, ये गड़बड़ हो गई है। अरे क्या हो गया? हमारा एक साथी गायब है, तुम किसकी
की बात कर रहे हो? मैं बीस्ट की बात कर रहा हूँ। उसने अपना आपा खो दिया और वो कहीं पे चला गया है। अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो गया? वो सब तो मुझे नहीं पता, पर प्रोफेसर ने हमें उसे ढूंढने के लिए कहा है, वो भी जितना जल्दी हो सके। अच्छा ठीक है। अरे अब ये बीस्ट कौन है? वो भी एक्समैन का एक साथी था। तुम उसे दूसरा हल्क समझ लो, क्योंकि उसे संभालना उतना ही मुश्किल है। अच्छा ऐसा क्या? साहब होगा, जाओ जल्दी से गाड़ी में। हाँ आता हूँ। जल्दी से चलते हैं यहाँ से। वैसे तुम्हें पता है वो कहाँ पर गया होगा? मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो एक टनल में छुपा हुआ है। पर यहाँ तो आसपास एक ही टनल है, मुझे लगता है हमें वहीं पे जाके चेक करना चाहिए। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, चलो जल्दी। टीम एक्समैन में आने के बाद लोगन ने काफी अच्छे काम किए, जिससे उसे बुरे सपने आने बंद हो गए और वो अपनी पिछली सारी यादें भूल गया था। अब देखते हैं आगे और क्या क्या होता है, तो बने रहिए हमारे साथ, हम बस पहुँचने वाले हैं। अरे यही तो वो टनल है, गाड़ी यही पे रोकता हूँ, जल्दी से उतरते हैं यहाँ से। अरे ये टनल तो बहुत ही डरावनी लग रही है। अरे यार ये तो बंद है, इसे खोलना पड़ेगा। खोलना नहीं, इसे तोड़ना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अभी तोड़ता हूँ, ये ले। चलो फाइनली ये टूटी गई, अब जल्दी से अंदर जाते हैं। अरे अंदर तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। चौप अंधेरा तो हो गए ना, वो एक टनल है। अरे यार यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा और आगे जाके देखता हूँ। लोगन टनल में चला तो गया था, पर उसके वजह से बीस्ट और भड़क गया और वो सीधा लोगन की तरफ आने लगा। अरे ये भूकंप के झटके कैसे लगने लगे? ये तो बीस्ट आ रहा है मेरी तरफ, पर ये इतना भड़का हुआ क्यों है? मैं जल्दी से भागता हूँ, पता नहीं इसे क्या हो गया है। अरे तुम जिसको ढूंढने आए थे उसी से भाग रहे हो? शिनचैन वो उल्टी खोपड़ी का है, जब उसे गुस्सा आता तो वो कुछ भी नहीं देखता। अच्छा ऐसी बात है क्या? जल्दी जल्दी जाता हूँ यहाँ से। अरे अरे ये क्या कर दिया उसने? अरे ये तो नीले रंग का भालू लग रहा है। अरे हाँ चौप, तुमने एकदम सही कहा। हाँ पर ये तो बहुत ही खतरनाक है। अरे यार इसने तो मुझे उठा के फेंक दिया। जल्दी से गाड़ी भगाता हूँ, नहीं तो इसके हाथ में लग जाऊंगा। अरे यार ये क्या हो रहा है गाड़ी के साथ? ये फिर से आ गया, मुझे इसे रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तो मुझे मार ही देगा। अरे अरे रुक जा बीस्ट, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। तूने बीस्ट की नींद खराब की, बीस्ट तुझे नहीं छोड़ेगा। अरे मैंने तेरी नींद खराब नहीं की, मैं तो तुझे लेने आया था। बीस्ट को कुछ भी नहीं पता, बीस्ट तुझे नहीं छोड़ेगा, तुझे खत्म कर देगा। अरे ये तुम्हारा दोस्त है कि दुश्मन है? ये तो तुम्हें मारते ही जा रहा है। बीस्ट रुक जाओ यहीं पे, नहीं तो मजबूरन मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। ऐसी बात है तो ये पत्थर खा, क्या हुआ मजा आया? अरे यार ये तो पूरी तरीके से पागल हो गया। ये ले एक और खा। मुझे लगता है ये मेरी सारी हड्डियां तोड़ देगा, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बीस्ट मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाला। ये भी ले और ये भी ले। चलो फाइनली मैंने इसे बेहोश कर ही दिया, इसने तो दिमाग ही खराब कर दिया था मेरा। अब जल्दी से यहाँ से जाता हूँ, मुझे प्रोफेसर से भी काम है। बीस्ट बेकाबू हो गया था और उसे रोकने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं था, जो कि वुल्वरिन के सिवा कोई नहीं कर सकता था। अब तो लोगों को ऐसा लगने लगा था कि जैसे एक्समैन सिर्फ वुल्वरिन ही है। अब देखिए आगे। अरे वाह तुमने तो कर ही दिखाया। हाँ यार एक टाइम के लिए तो मेरे को लगा था ये तुम्हें फेल देगा। ये थी कहानी वुल्वरिन के एक्समैन में आने की, पर कई सालों बाद एक्समैन बिखर जाता है और म्यूटेंट्स की दो टीम बट जाती है, एक होती है इंसानों के खिलाफ और एक होते हैं इंसानों के साथ। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पर वुल्वरिन पहले से बहुत ही ताकतवर हो चुका है। चैन से सोना है तो जाग जाइए, क्योंकि मैग्नेटो नाम का एक म्यूटेंट शहर में तबाही मचा रहा है और पुलिस उसके सामने कुछ नहीं कर पा रही। पता नहीं शहर का क्या होगा। अरे यार ये मैग्नेटो फिर से शुरू हो गया, मुझे उसे जाके रोकना ही पड़ेगा। जल्दी से निकलता हूँ यहाँ से। अरे अब ये मैग्नेटो कौन है? जो बहुत पहले एक्समैन दो टीम में डिवाइड हो गई थी, जिसमें से एक टीम विलन वाला काम करती थी और उन्हीं का लीडर था मैग्नेटो, जो कि एक्समैन का एक मेन विलन है। अच्छा ऐसा क्या? मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा, एक काम करता हूँ इसी से चलता हूँ, जल्दी से बैठता हूँ, इससे पहले कि वो ज्यादा तबाही मचाए मुझे उसे जाके रोकना ही पड़ेगा। लोगन चला गया था शहर की रक्षा करने के लिए, पर उसे नहीं पता था कि मैग्नेटो कितना ताकतवर है। ऐसे ही उसे एक्समैन की टीम का मेन विलन नहीं कहते, पर ये पहली बार नहीं था कि वुल्वरिन उसे लड़ने जा रहा है। बस बात इतनी है कि वो जितनी बार गया है उतनी बार हारा है। अब देखते हैं क्या होता है। मुझे आवाज इस साइड से आ रही है, वो यही कहीं पे होना चाहिए। जल्दी जल्दी भाग के जाता हूँ। ये रहा वो, ये क्या कर रहा है? अरे इसने तो आते ही मारना शुरू कर दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मैग्नेटो। तुम मुझे क्या नहीं छोड़ोगे? तुम मेरी ताकत के सामने कुछ भी नहीं। अरे यार नहीं 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 गाड़ी नहीं। अबे यार क्या गाड़ी उठा के फेंकी इसने तेरे पे? मैग्नेटो किसी भी धातु को कंट्रोल कर सकता था। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये ले ये भी ले और ये भी ले। चला जाओ यहाँ से, नहीं तो फालतू में मारा जाएगा, ये ले। अरे यार बहुत जोर की लगी। अरे ये तो काफी खतरनाक है। अरे तुम क्या कर रहे थे? वो नाखून का कान खुजाने के लिए रखे है। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, ये ले, तू तो गया आज मेरे हाथ से। अरे यार फिर से नहीं, ये तो गाड़ियाँ उठा उठा के फेंकते ही जा रहा है। अबे इसने तो विंडमिल ला के रख दी इधर, मारना पड़ेगा, बहुत ताकत है इसमें। रुक जा वहीं पे, तुम इंसानों को मारते हो इसलिए इंसान हमें भी दुश्मन समझते हैं। जल्दी जल्दी भागता हूँ यहाँ से, ये ले ये भी ले और ये भी ले। तुझे तो मैं काट दूंगा यहीं पे, कब से परेशान कर रहा है मुझे। मुझे लगता है मैंने फाइनली इसे मार ही दिया। चलो आखिरकार मर ही गया, पर तुम्हारी तो हालत ही खराब हो गई इसको मारने में। अरे वह तुम्हारी स्टोरी देख के तो मजा ही आ गया। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, जो लोग चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। जय हिंद।